ढोल नगाड़े बज रहे थे, खूब शोर शराबा था, लोग नाच रहे थे और बनने जा रहे थे एक अनोखी शादी के गवाह, जहाँ 75 साल का दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने के लिए जा रहा था। शादी की खुशी साफ नजर आ रही थी कि तभी अचानक एक फोन कॉल आया, फोन भी खुद दुल्हन का, और फोन आते ही सबकी खुशी रफू चक्कर हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक 75 साल के दूल्हे की शादी के लिए धूमधाम से गाने बाजे के साथ जैसे ही बारात निकली ही थी कि दूल्हे के पास एक फोन ने सभी को हैरत में डाल दिया। अब सवाल ये था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ने फोन करके अचानक बारात लाने के लिए मना कर दिया। इस सवाल को जहन में लिए सभी बाराती सन्न रह गए और एक अनोखी शादी के गवाह बनते बनते रह गए। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि दिलचस्प मामला नरैनी तहसील के रिसोरा गांव से सामने आया, जहां के रहने वाले बुजुर्ग शख्स की रविवार को शाम को गाजे बाजे के साथ बारात ले जाने की तैयारी हुई। बकायदा पूरे रीति रिवाजों से महिलाओं ने मंगल गीत गाए, नेक दिया गया और सभी रस्में अच्छे से अदा की गई। दूल्हे ने पगड़ी पहनकर बारात ले जाने से पहले मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना भी की। गांव के सैकड़ों लोगों के साथ बारात जा रही थी, घर के और पड़ोस के लोग ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस कर रहे थे। बारात बस निकल ही रही थी कि अचानक से दूल्हे ने सबको चौंका दिया। दूल्हे ने कह दिया कि आज बारात नहीं जाएगी, उसकी दुल्हन ने मना किया है। ये सुनकर सभी परेशान हो गए और बैरंगी अपने अपने घर लौट गए। दूल्हे ने बताया कि 20 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उसके दो बेटे हैं, उनकी भी शादी हो गई है, वो नाई का काम करता है। उन्हीं के मुताबिक बीते साल महोबा जिले के एक बारात में उनकी मुलाकात कथित तौर पर एक महिला से हुई, जिससे शादी की बातचीत है। किसी कारण से अभी उसने मना किया है, लेकिन बाद में कुछ लोगों को बारात में लेकर जाया जाएगा, फिर शादी होगी। फिलहाल यह अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी है। अब देखना होगा कि आखिर दुल्हन कब तक मानती है और कब वो शादी के लिए हामी भरती है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।